गाइस, तकिए के बारे में कौन ही बात करता है, लेकिन अगर वो तकिया 40 लाख रुपए का हो तो फिर उसके लिए बात करना तो बनता है। वियोन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे महंगे तकिए को नीदरलैंड के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने डिजाइन किया है। बता दें कि इस तकिए की कीमत 40 से 45 लाख रुपए है। इस तकिए को बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के करीबन 15 साल लगा दिए। इस तकिए के अंदर सोना, हीरा और नीलम समेत कई रत्न जुड़े हुए हैं। इस तकिए के अंदर का कॉटन रोबोट मिलिंग मशीन का होता है। इस तकिए की जिप में 4 हीरे रखे गए हैं। इस प्रकार के एक नहीं बल्कि कई तकिए बनाए गए हैं, लेकिन इन तकियों को यूं ही नहीं बेचा जाता, बल्कि गिने चुने लोगों को ब्रांडेड बॉक्स में पैक करके दिया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लेटते ही नींद आ जाती है और मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। गाइस, क्या आपको ये तकिया चाहिए? लेकिन ध्यान रखिए, महंगा बहुत है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये बात है साल 2015 की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था। तब रातों रात मैगी की 80% मार्केटिंग से उसका मार्केट शेयर 0% हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट के बैन के लगाने के बावजूद भी मैगी ने अपनी मार्केटिंग नहीं रोकी, क्योंकि मैगी को पता था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके कस्टमर्स और उसकी पॉपुलैरिटी। और मैगी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी भी कम हो। इसीलिए मैगी ने बैन होने के बावजूद भी वी मिस यू 2 टाइप के इमोशनल हैशटैग ट्रेंड कराए, जिसके कारण लोगों के दिमाग से मैगी कभी गायब भी नहीं हुआ। उस वक्त मैगी के सारे एड कैंपेन लोगों के इमोशन से सीधे जुड़े रहे थे, जिसके कारण लोग मैगी को और ज्यादा मिस करने लगे। और इसीलिए मैगी के फिर से लॉन्च होते ही मैगी ने कुछ टाइम में ही 57% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लिया था और एक बार फिर मैगी मार्केट लीडर बन गई। गाइस, मैगी की एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।